राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि करबीरपुर में कोल्हासुर का आगमन होता है और कोल्हासुर गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है और कहता है कि यदि नारायण को सभी के प्राण बचाना है तो उन्हें स्वयं मेरे पास चलकर आना होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राजा आकाश के पास उसका मंत्री आता है और कहता है कि गोविंदराज ने मुझे कहा था यदि किसी के गरजने की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत सेना लेकर पहाड़ी वाले क्षेत्र में पहुंच जाऊं, क्योंकि श्रीनिवास पर कोई विपदा आई है महाराज। तो पद्मावती कहती है, नहीं, मैं श्रीनिवास पर कोई विपदा नहीं आने दूंगी। और पद्मावती राजमहल से दौड़ कर निकलती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि उमा दौड़ती हुई आती है और भार्गवी से कहती है, गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी वाले क्षेत्र में किसी ने आक्रमण किया है गांव वालों पर। तो भार्गवी कहती है, उस क्षेत्र में तो वेंकटेश और भैरव भी गए हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कोल्हासुर गांव वालों से कहता है कि अब एक एक करके तुम सब की बलि चढ़ेगी। तभी गांव वाले चिल्लाते हैं, बचाओ। तभी कोल्हासुर पर तीर से राजा आकाश के सैनिक आक्रमण करते हैं। राजा आकाश के साथ उसके सभी सैनिक एवं पद्मावती आती है। इधर भार्गवी के साथ उसके माता पिता भी आते हैं। गोविंदराज भी वहां पहुंचते हैं। सैनिक के तीर आक्रमण से कोल्हासुर को कुछ नहीं कर पाते हैं। तो राजा आकाश ऋषि वीरू से कहते हैं, आप ही अपनी शक्तियों द्वारा इसे रोक सकते हैं, कृपया कुछ कीजिए। तो ऋषि वीरू कहता है, मैं प्रयास करता हूँ। जमीन से मिट्टी उठाकर मंत्र पढ़ते हैं और आक्रमण करता है, परंतु उसके मंत्र विफल हो जाता है। तो कहता है, तुम कौन हो? तो कोल्हासुर कहता है कि मैं महासुर कोल्हासुर हूँ। तो ऋषि कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों यहाँ आए हो? तो कोल्हासुर कहता है, मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूँ विष्णु से, किंतु विष्णु का वध करने से पूर्व और दो लोग हैं जिनका मैं वध करना चाहता हूँ, श्रीनिवास और वेंकटेश को मेरे समक्ष ले आओ। उनके जीवन के बदले में मैं गांव वालों को छोड़ दूंगा, नहीं तो इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तभी कुमार वासु कहता है कि इतना दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कोल्हासुर, सबका वध कर दो। सबसे पहले इसका ये गोविंदराज हैं, श्रीनिवास इसे अपना बड़ा भाई मानता है, इसका वध करोगे तो श्रीनिवास इससे ढूंढता हुआ यहाँ तक आएगा। तो पद्मावती कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो वासु? तो वासु कहता है, तुम मौन रहो पद्मावती, कोल्हासुर इसका भी वध कर दो, भार्गवी का भी, भार्या का भी वध कर दो, उसको ढूंढकर सबने मुझे छल है, सबका वध कर दो। देख क्या रहे हो, खड़े खड़े आगे बढ़ो और वध कर दो सबका। तभी कोल्हासुर वासु को गर्दन में पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है, तुम कौन हो? कुछ बलहीन तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे आदेश दो, मुझे विष्णु चाहिए बस। मुझे ज्ञात हुआ है कि श्रीनिवास और वेंकटेश नामक दो व्यक्ति के माध्यम से मैं विष्णु तक पहुंच सकता हूं, तुम्हें मारकर मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु उससे पहले उन दोनों के रक्त चखना है। कहाँ हैं वो दोनों? तुम्हारे लिए ये उचित होगा कि तुम दोबारा मेरे मार्ग में आने की भूल ना करना और आदेश देने का भूल मत करना। जब तक श्रीनिवास और वेंकटेश मेरे समक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक यहाँ रक्त बहेगा। फिर आप आगे देखेंगे कि श्रीनिवास एवं वेंकटेश आते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ कोल्हासुर। ये देखकर गोविंदराज कहते हैं कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक साथ श्रीनिवास और वेंकटेश, ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? फिर श्रीनिवास कोल्हासुर से कहता है कि मैं श्रीनिवास हूँ और ये वेंकटेश है, तुम हम दोनों का वध कर सकते हो, किंतु तुम्हें इन सभी गांव वालों को छोड़ना होगा। तभी कोल्हासुर कहता है कि
जब तुम दोनों मेरे सामने आ गए हो तो अन्य का वध करना व्यर्थ है, फिर युद्ध आरंभ होता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहता है कि आपके आराध्या को आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप जाएं और उनकी सहायता कीजिए। तभी महादेव कहते हैं कि नहीं गौरी, इस युद्ध में मेरा कोई भूमिका नहीं है, मेरे आराध्या की इस लीला का ये अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो माता गौरी कहती है कि इसलिए तो मैं अधिक चिंतित हूँ। तो महादेव कहते हैं कि किंतु तुम एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रही हो गौरी। तो गौरी कहती है वो क्या महादेव? तो महादेव कहते हैं जब श्रीनिवास और वेंकटेश एक ही हैं तो आराध्य दो भिन्न भिन्न व्यक्ति बनकर क्यों आए हैं? तो माता गौरी कहती है कि सत्य कह रहे हैं, मैं तो इस विषय में सोची ही नहीं। तो महादेव कहते हैं कि अवश्य ही इसके पीछे आराध्य के बहुत बड़े योजना हैं, और उनका कौन सा रूप अब और कैसे कोलासुर का वध करेगा, इसके लिए सहायता की प्रयास की आवश्यकता नहीं, लीला की प्रतीक्षा की आवश्यकता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कोलासुर से कहता है आगे बढ़ो और युद्ध करो, हम दोनों सज हैं तुम्हारे साथ युद्ध कर लड़ने के लिए। तो कोलासुर कहता है कि अच्छा तुम दोनों मुझसे युद्ध करोगे। युद्ध चल ही रहा होता है कि कुमार वासु बीच में आ जाते हैं और कहते हैं वध कर दो इन दोनों का कोलासुर। तो कोलासुर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम मुझे आदेश मत देना, किंतु तुमसे तो मौन रहा ही नहीं जा रहा है ना, मैं तुझे पर सदा के लिए ही मौन कर देता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध समाप्त ही नहीं होगा, महादेव कुछ कहिए ना, महादेव यह युद्ध कब समाप्त होगा और कोलासुर का वध कौन करेगा? तो महादेव कहते हैं कि ये समझ लो कोलासुर इस युद्ध का एक केवल भाग है। तो गौरी कहती है मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो महादेव कहते हैं इस युद्ध के माध्यम से मेरे आराध्य पूरे संसार को वो शिक्षा देना चाहते हैं जिसकी इस संसार को अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके अभाव से यह संसार प्रेम को समझ नहीं पाई है। श्रीनिवास और भार्गवी की इस यात्रा का, उनकी इस प्रेम कथा का ये अंतिम पड़ाव है गौरी, और इस युद्ध के माध्यम से मेरे आराध्य इस संसार को अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएंगे गौरी, प्रेम की सत्यता का पाठ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि युद्ध चल रहा होता है, तभी श्रीनिवास वासु के पास आकर कहता है तुम ठीक हो ना? तो वासु कहता है तुम दोनों ने मुझे क्यों बचाया, मैंने ये सब तो तुम दोनों को अवध कराने के लिए करवाया था। तो श्रीनिवास कहता है कि तुम्हें इस बात का आभास कराने के लिए कि सब कुछ तुम्हारे साथ अनुचित क्यों हो रहा है, बस तुम्हें वो समझना है वासु, यहाँ जो भी हो रहा है उसे रोका जा सकता है परंतु इसे तुम रोक सकते हो, जो कार्य तुमने आरंभ किया है उसका अंत तुम्हारे हाथों हो सकता है। तो वासु कहता है मैं अंत कैसे कर सकता हूँ इस युद्ध का? फिर श्रीनिवास कहता है कि तुम अपना नेत्र बंद करो, शांति से सोचो, सोचो ऐसा क्या किया है जो तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया है। फिर वासु सोचने लगता है और इधर वेंकटेश और श्रीनिवास युद्ध करते रहते हैं। तो भार्गवी और पद्मावती कहती है ये युद्ध मत लड़ो, आप यहाँ से चले जाओ। तो श्रीनिवास कहता है कि हम दोनों कोलासुर से अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। तो कोलासुर कहता है अंतिम सांस लेने के लिए तुम दोनों के पास और अधिक समय शेष नहीं है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि शुक्राचार्य दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि श्रीनिवास ही विष्णु का रूप है, किंतु ये नारायण कोलासुर से मानव रूप में क्यों युद्ध कर रहा है, अपना दिव्य रूप धारण क्यों नहीं कर रहा है, अवश्य कुछ तो
है जो नारायण करने वाला है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कुलासु श्रीनिवास और वेंकटेश दोनों को मार कर धरती में गिरा देता है और कहता है, बहुत मन था ना मुझे से युद्ध करने का, अब ज्ञात हुआ कि कुलासुर से कोई जीत नहीं सकता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।